रणवीर सिंह की मूवी गली बॉय अभी काफी चर्चा में है। फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर ने कहा है कि गली बॉय किसी भी आर्टिस्ट के लाइफ के ऊपर नहीं बल्कि एक फिक्शनल स्टोरी है। तो आखिर क्या है सच्चाई, कौन है इस मूवी का इंस्पिरेशन? अगर आप अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी सिंगिंग पर फीडबैक लेना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रेट माई सिंगिंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस मूवी की स्टोरी ऐसे अपकमिंग हिप हॉपर्स के बारे में है जिन्होंने काफी मुश्किलों से गुजरकर और काफी स्ट्रगल करके कामयाबी हासिल की है, और फैंस का तो यही मानना है कि ये मूवी डिवाइन और नेजी नाम के रैपर्स की लाइफ के ऊपर बनी है। तो आखिर कौन है डिवाइन और नेजी? मुंबई के तंग गलियों से निकले हैं डिवाइन और नेजी। डिवाइन, जिनका असली नाम है विवियन फर्नांडिस, अंधेरी के जेबी नगर के स्लम्स में रहा करते थे और अभी भी वहीं रहते हैं, और नेजी उर्फ नावेद शेख कुरला के एक चौल के रहने वाले हैं। दोनों ने काफी कम उम्र में रैपिंग में अपनी काबिलियत ढूंढ ली थी। जहां पंजाब के रैपर्स लड़कियों, महंगी कारों और अल्कोहल के ऊपर गाने बनाते थे, ये आर्टिस्ट अपने बंबई शहर और इनके लोगों के बारे में गाने लिखते थे। 2015 में दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके मेरे गली में रिलीज की, जो कि इंस्टेंटली हिट हो गई। अपने हिप हॉप में सिर्फ स्वैग ना दिखाकर ये दोनों देश में फैले करप्शन और आम आदमी के जीवन की परेशानियों के बारे में लिखने लगे। अपने टपोरी और देसी अंदाज से वो देश भर के ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। कभी स्कूल्स और कॉलेजेस में फिलर आर्टिस्ट्स की तरह परफॉर्म करने वाले डिवाइन और नेजी के पास अब यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं। 2011 में आया डिवाइन का गाना ये मेरा बॉम्बे रोलिंग स्टोन इंडिया का बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर बना। फिर उन्होंने न्यूक्लिया के साथ जंगल ट्रैक नाम के गाने पर कोलैबोरेट किया, जिसने GIMA का बेस्ट EDM ट्रैक ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अनुराग कश्यप की मूवी मुक्कावास का गाना पैंतरा और नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स का गाना काम 25 भी डिवाइन ने ही लिखा है। वो इंडिया के पहले आर्टिस्ट हैं जिन्हें एप्पल म्यूजिक रिलीज का चांस मिला हो। दूसरी तरफ नेजी भी पीछे नहीं है। ऑन एयर विथ AIB के गाने ट्रेजेडी में कॉमेडी है में हमें नेजी की ही आवाज सुनाई देती है। उन्होंने 70 के दशक के मुंबई पर अपना गाना आफत लिख डाली, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। उनके ऊपर तो बॉम्बे 70 के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसने MAMI अवार्ड्स के डायमेंशन सेक्शन में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता है। तो दोस्तों, अब सूत्रों की माने तो गली बॉय इन दोनों टैलेंटेड रैपर्स की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होकर ही बन रही है, जिसमें रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का ही किरदार निभा रहे हैं। डिवाइन और नेजी के लिए आखिर इससे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट की बात क्या हो सकती है? आई होप कि ये लोग आगे भी अपने शानदार कॉम्पोजिशन से और अपने टैलेंट से इंडिया में हिप हॉप म्यूजिक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि वो कौन सी कहानी है जो आप मुझसे अगली बार सुनना चाहते हैं। टिल देन, कीप सिंगिंग एंड स्टे म्यूजिकल। धन्यवाद।